शख्स या शख्स नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना यकीन था। कहीं इक्तदार का नशा, ताकत का नशा, इस हुकूमत का सस्ता ना पलट दे। हम हुकूमत सब से यही मुतालबा करते हैं और फिर हम मुतालबा करते हैं कि हमारे असीरों को, बेगुनाह असीरों को और जवानों को जल्द रिहा कर दिया जाए, वरना इसका नतीजा ये हुकूमत बखूबी जानती है। हमने इस बड़े मकसद के लिए इसराइल को अगर तस्लीम करने की कोशिश की गई तो चंद नौजवानों को उठा दिया। 2006 से लेकर 2009 कि हमारे घरों का तकद्दस का ख्याल ना रखा जाए, क्या हमने इस वजह से इस्तेमाल किया था कि हमें बेजुर्म बगैर किसी जुर्म के बगैर बताए गुरु से मोहम्मद वाले मोहम्मद पाकिस्तान पाकिस्तान से लेकर जो कि दहशत गर्दी के खिलाफ मकसद है, जो कि हर रोजा अपने वतन की खिदमत करने वाला मकसद है, उसी मकसद को अगर आप छुड़ा देंगे, उसी मकसद के नौजवानों को उठाएंगे तो किसी भी लिहाज से उसे बल्कि इस मुल्क के साथ खयानत नहीं हो सकती। ये मुल्क यहाँ पर आईएसओ के नौजवान, मकतबे तशय्यो के नौजवान, ये इस मुल्क के मुहाफिज हैं, इस मुल्क की नजरियाती इसका फैसला कर चुके हैं कि उन्हें इसराइल को तस्लीम करना है। अब मैं दावत खिताब देता हूँ सरासर दानिश नकवी से कि वो आए और आज हम सुरताए एहतजाज से खिताब करें।